आज हमारे भैया की वेडिंग है, मैं इतना पानी पीती हूँ, आज ऐसी जाऊंगी। यार गोइंग टू मार्केट, हिम्मत चाहिए। हमारे हस्बैंड ऐसे है ना यार, लड़कियों को क्या क्या करना पड़ता है, क्या से क्या हो गया, सारी पार्टी खराब होने वाली, नहीं तो किसी के फेरे निकल जाएंगे, किसी का मंडप। वो तो गए सोने, सुबह मिलना, हम घर के पास है तो बच्चों को भी ले लें। डमडमा गटगा, क्या डमडमा रहता है, चट से कपड़े निकाले और मुझे क्यों समझा रहे हो, बच्चों की याद आ रही है, पायल भी रो रही है, तू भी रो रही है। इसको मेरी खुशबू आ गई थी कि मम्मा आ गई है। मेहंदी छोरा एंडी एंडी काम करूंगा, काम गेला मां बाबू का नाम करूंगा। हेलो एवरीवन, कैसे आप सब, होप करते हो आप सभी अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। तो अभी का जो व्लॉग है शाम के 6:30 बजे शुरू हो रहा है, वो भी गाड़ी में, क्योंकि मैं और पायल जा रहे हैं सैलून। जैसे कि आप लोगों को पता है आज हमारे भैया की वेडिंग है, तो वेडिंग के लिए रेडी होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इतनी ब्यूटीफुल साड़ी आ गई थी ना, तो वो पहनने वाले आज मैं और पायल। तो जब से मैं दिल्ली आया हूं ना, तो शायद मैं इनके व्लॉग में बहुत कम आपको दिखाई दे रहा हूं, तो मैं इनको बता देता हूं आज शादी नहीं, आज है लगन। पायल यार लगन क्या होता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे तो शादी बोलते हैं। हमारे यहाँ लगन का मतलब होता है जैसे कल बारात जाएगी उनकी, तो आज लड़के के घर से जो भी सामान आने वाला होता है ना, उसे लगन कहते हैं। तो आज दूल्हे वाले के घर पे जितने भी रिलेटिव्स वगैरह होंगे, उनका खाना पीना, डांस गाना वाना, और लगन उसी जगह पे लगा होगा, सारे लोग देखेंगे क्या क्या मिला दूल्हे। अच्छा, तो तुम्हारे यहाँ पे भी लगन होता है पायल? हाँ, हमारे यहाँ पे। इसका मतलब वही है कि रीति रिवाज सबके थोड़े थोड़े हल्के बहुत ही फर्क होते हैं। मेरे यहाँ पे सीधा शादी कर देते हैं। हाँ, पार्टी है, जैसे लड़की वालों की तरफ पार्टी नहीं होती खाना पीना, और फिर वैसे लड़कों वाले की तरफ लगन होता है। ठीक है, समझ गई मैं अच्छे से पायल, थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग। ओके, तो गाइस यहाँ पे हम दोबारा पहुंच गए हैं भाई, यहाँ पे भी मुझे पानी मिल गया, तो मैंने बोला मेरे को एक साथ 3-4 बोतलें दो, मैं इतना पानी पीती हूँ। तो बस अभी हेयर स्टाइल करवाने वाली हूँ, और देखो बाल छोटे हैं तो हेयर स्टाइल ज्यादा तो मेरा बन नहीं पाएगा, बट मैंने भैया को बोला कि साड़ी पहन रही हूँ, तो साड़ी के हिसाब से ना यहाँ पर आप ब्रेड्स दे देना, है ना, कुछ ऐसे करके। आपने सही कहा था, मैंने कहा था ना बीच की मांग, पर आपने जो कहा था ना साइड वाला करना, वो ज्यादा अच्छा गया था। गोलू का हेयर स्टाइल हो गया, तो कल जो मेरे कल्स नहीं खुले थे ना, मेरे कल्स किसने किए थे, इन भैया ने किए थे, और सच में इन्होंने गारंटी के साथ बोला था कि नहीं खुलेंगे, तो नहीं खुले। अभी जब मैंने बाल धुलवाए तब जाके वो कल्स खुले। तो मैं सोच रही हूँ काम करूँ आज ऐसे जाऊँ, क्योंकि यार डिफरेंट लगना चाहिए। मैं डिफरेंट लग रही हूँ, देखो मेरा गुलाट का कैसा है, इसमें आपका ना कुछ सामान जैसे एयरपोर्ट पर घूम गए पानी की बोतल भी कैरी करते हैं, ऐसे लग रही हूँ। पानी वानी पीना होगा ना, ये डल भी लेके जाओगे दिल्ली है, तो पानी पीना होगा, टेंशन मत लो, यहाँ से पानी निकाल के पी लो, किसको बताएंगे नहीं, शादी में कुछ उठाना बताएंगे, इसी के अंदर डालेंगे, इसमें डाल लूंगी। बोलते हो बोलो, हर चीज उठाने को भी बोलती है गाय, करो। एक ना कमेंट आया था, जब से पता लगे ना गोलू चोरी करती है, तो मुझे चोरी दिखती है, ऐसे कमेंट आया था गोलू के लिए। अभी अभी हमें याद आ गया कि हमें लेंस लगाने, लैशेस लगाने, तो अब सैलून में बैठी है, तो सोचे यहीं से लगा के जाते हैं, क्योंकि हमारे नेल्स बहुत बड़े हैं, हमसे लगेंगे नहीं, तो मैं नीचे जा रही हूँ और लेंस और लैशेस लेके आ रही हूँ। हमारा टास्क है कि हमें ऐसे ही जाना है मार्केट में, हटा दी ये तो टास्क। ठीक है, पहले इनसे पूछ लेते हैं टास्क करने से पहले। ओके, लेट्स मी वेरी सीरियस नोट, वी आर गोइंग टू मार्केट लाइक दिस ओनली। बेसिक नहीं होगी, आपकी तो नहीं होगी, हमारी वैसे, हमारी तो वैसे नहीं होती, क्यों हमारे मुंह पे कोई बोलता नहीं कुछ, पीठ पीछे बोलते हैं, पीठ पीछे बोलते हैं लोग जब बोलते हैं। ठीक है भाई, भैया मैं जा रही मार्केट, चलो गाइस। मेरा तो निकाल के लगा दिया, निकाला देखा अभी, अभी मेरे से निकाल के बाल लगा दिया, यहाँ पे था, आई एम सिस्टर नो, मेरा हेयर स्टाइल खराब हुआ वो कुछ नहीं है, बड़े है तो क्या है, छोटे हमेशा बड़ा ही किसे सैक्रिफाइस करे, छोटा छोटा नहीं कर सकता, ऐसे ही करने के लिए ना हिम्मत चाहिए, वो हिम्मत भैया हमें वो हिम्मत आपको पीछे सलमान भाई दे रहे हैं, उन्होंने आपको कॉन्फिडेंस दे दिया कि जाओ। हाँ भैया, ऐसे हस्बैंड होते हैं तो हिम्मत आती है, हस्बैंड हमें, हमारे हस्बैंड ऐसे है ना कि हमेशा हमें मोटिवेट करते हैं। टाइम वेस्ट मत कर, हमें रेडी भी होना है, जल्दी चल। ठीक है, देखिए पानी की बॉटल भी लेके आई, चलो हम पहुंच गए नीचे। चोरी चोरी, लोग क्या हो गया, हंस क्यों रहे हो, व्हाई लाफिंग, दिस इज माय स्टाइल, अच्छी लग रही है। हाँ, ये एक्चुअली मेरा न्यू लुक है, अभी लॉन्च हुआ है इंडिया में, अभी आया है सबसे पहले हमने किया है। एक्चुअली क्या होता है, सारे शादी में जाते हैं ना हेयर स्टाइल के साथ आते हैं, इसके साथ कोई नहीं जाता, इसमें आप कुछ भी सामान रख सकते हो। एक तो अपना क्या करो, ग्रे लेंस दिखा दो और बिंदी दिखा दो मुझे, बड़े दिन हो गए गाइस, और लैशेस सामान घेर दे उनका सारा। मेरी आंखें पर वैसे ब्लू कलर की है, देखियो उस पर झूठ बोलते बोलते मेरी टांग और स्लिप हो गई। लैशेस कौन सी लूं, जो तू लैशेस लेकर आई है ना वो बहुत सुंदर पड़ी है घर पे, अच्छी। पर पता है क्या, आप घर जाएंगे लेने, वन टाइम यूज है, वन टाइम नहीं, आप इसको टूट से अगर कैरी कलर दिखाओ फटाफट, कलर सिर्फ ब्लू और ग्रीन है, नहीं ब्लू ग्रीन दिखा दो मुझे एक बार, नहीं मिला भैया बिंदी ना, लेंस का कलर मिला ब्लू ग्रीन था, बिंदी अगर चाहिए तो मंगवा दे, आस पास से बिंदी चाहिए, मैं रेड कलर, लेकिन अभी हम ये थोड़ा ठीक करवा के जाते रजौरी, रजौरी में अच्छा लगता है ना, वहाँ भी चले आना। तो गाइज हम वापस जा रहे थे बिना आईलैशेस लगा के, तो फटाफट से भैया ने मंगा लिया हमारे लिए आईलैशेस। यार लड़कियों को क्या क्या करना पड़ता है,
रही है कि देखो हम मुंह धोया प्यार। बस कुछ नहीं, मैं करना मैं लैश लगाना है, हमारा मेकअप डन है। मैंने याद नहीं लगाई थी, वो लगाई थी, लगा दोगे? हां लगा दे। सुनो पता है क्या, आपको पहनना है सिंपल कपड़े और हमें पहनना है थोड़ा ब्लिंगी। इतना फैशन करोगे मुझे लगा पार्टी खत्म हो जाएगी। ठीक है, हमारा मेकअप ऐसे और चलता रहा तो मैं लेके बैठ जाऊंगा। हम तो कब से रेडी होंगे फिर? चलो चलो चलो। तो गाइस हम हो गए शादी में जाने के लिए रेडी। गोलू और पायल ने साड़ी पहनी थी और उनको कंफर्टेबल नहीं लगी, अभी पता नहीं क्या पहन के आने वाले हैं। पर मैंने बहुत दिनों के बाद बहुत ही कैजुअल सी ड्रेस पहनी है और साथ में एक मजेदार सा ब्लेजर कैरी किया। गाइस हो चुके हम रेडी। पहले हम लोगों ने पहनी थी साड़ी, बट साड़ी के साथ क्या हुआ ना, हेयर स्टाइल और मेकअप प्रॉपर नहीं था, एक्यूरेट नहीं था, तो हम लोगों ने कर दिया चेंज। तो मैंने पहन लिया ये वाला कॉट सेट जो चीकू के पापा ने लेके दिया था, मैंने लास्ट टाइम पूजा की वेडिंग में पहना था, तो मैंने सोचा यही पहन लूं। और जाने से पहले ना थोड़ा सा खा लूं, भूख लग गई बड़ी तेज की। हम हो चुके हैं रेडी। मैंने पूरा इंसिडेंट बता दिया गाइस को कि हम क्या करने वाले थे और क्या कर दिया। क्या से क्या हो गया। तो भाई आज मेरा कुछ ऐसा लुक है, अब बड़े कमेंट करके बताना कि मैं थोड़ा स्लिम नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा आप? सच में बड़े हैंडसम लग रहा है, सच में। आज मैं और पालक फीके लग रहे थे हमें। नहीं नहीं बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत टाइम के बाद पहना मैंने, पर सही है। Okay. तो गाइस घर से निकलते जाम मिल गया और मुझे लग रहा है कि ये जाम ना एक घंटा लगाते हैं यहाँ पे और सारी पार्टी खराब होने वाली है। तुझे क्या लगता है? हो सकता है गुड्डू, क्या पता हमें आगे ट्रैफिक ना मिले, आगे सीधा खाली मिल जाए। ये पश्चिम बिहार वाला जाम ना पूरा जाम आराम से चलाइयो, मेरी आग काली जाएंगी। आराम से चला। तो सबसे मुश्किल टास्क होता है ना गाड़ी में बैठ के आईब्रो बनाना, लिपस्टिक लगाना। एक आईब्रो तो देखो मैंने तीखी तीखी बना ली है, अभी दूसरी आईब्रो को जैसे मैं ऐसे करती हूँ ना डर लगता है। गाड़ी रुकी गाड़ी रुकी, एक मिनट ऐसे एक होल्ड करना, मैं लिपस्टिक लगा लेती थी। लिपस्टिक सबसे ज्यादा फैलती है, इसलिए पहले लिपस्टिक लगा, पहले तो खड़ा निकाल ले फिर लिपस्टिक लगाऊंगी मैं। निकल गया गड्ढा। हमने घर में बिल्कुल टाइम नहीं मिला था मेकअप करने का, हमारा जो दोपहर का मेकअप है ना उसी को हम रिफ्रेश कर रहे हैं। आपका करना मेकअप वेकअप कुछ? तो गाइस अगर आपको किसी शादी वादी में जाना है, अगर आप दिल्ली रहते हो, अगर आपको वहाँ 7 बजे पहुंचना है फिर 10 बजे पहुंचना है, तो भाई 2-4 घंटे पहले घर से निकला करो, नहीं तो किसी के फेरे निकल जाएंगे, किसी का मंडप शादी वादी होके खत्म हो जाएगा। मतलब सुहागरात तक पहुंच जाता आदमी जब तक हम उसी शादी तक पहुंचते हैं। और वैसे ये बात तो बिल्कुल सही कही है हमने। ट्रैफिक इतना होता है कि बंदे की शादी हो जाएगी वो अपने कमरे तक पहुंच जाएगा, पर बंदा नहीं पहुंचेगा उसकी शादी तक। वो आएगा कहेगा वो कहाँ गए, वो तो गए सोने सुबह मिलना। अच्छा भाई सब चले गए, हाँ डिस्टर्ब भी नहीं करेंगे क्योंकि यार कपल पहली फर्स्ट नाइट है, कौन डिस्टर्ब करता है। फिर वो बेचारा सगन का लिफाफा देके बिना खाए पिए वापस निकल लेगा, कहेगा घर में तो रोटी बनी होगी वही तो खिला दो। तो भाई दिल्ली वालों चंडीगढ़ शिफ्ट हो जाओ, यहाँ तो इतना जाम है पूछो मत। मैं तो भाई हैट्स ऑफ करता हूँ उनको जो एम्बुलेंस चलाते हैं और लोग उनको जगा देते हैं। कई मौतें तो मुझे लग रहा है कि यहाँ ट्रैफिक के चक्कर में हो जाते हूँ, इतना ट्रैफिक। हमें निकले हुए ना 1 घंटा हो गया, 1 घंटे से हम यहीं फंसे पड़े हैं पेरागढ़ी। तो इस कुदरत से बड़ा कुछ भी नहीं है, देख लो दिल्ली सूखा पड़ा है और दिल्ली से मैं सिर्फ 5 किलोमीटर दूर आया हूँ, यानी कि चंडीगढ़ वाले हाईवे पे, और पूरा बारिश बारिश हो रखी है। हम घर के पास है तो बच्चों को भी ले लें। घर हमारे यहाँ से 250 किलोमीटर है और जहाँ हम पहुँचने वाले हैं वो यहाँ से 9 किलोमीटर, यानी कि हम है चंडीगढ़ वाले रोड पे ही है पर दिल्ली से 5-7 किलोमीटर दूर है ज्यादा। फिर तो हम कल एक काम करेंगे गुड्डू, कल अपना इवेंट निपटा के ना वहीं से निकल जाएंगे, अब नहीं रहा जा रहा ना। पहले पहले मैं लगन में जाऊंगी, लगन बाद में देखूंगी। अरे जाते खाना खाओ, देखो पता है मैं शादी में कितनी भूखी रहती हूँ। पागल लगन भी देखेंगे ना क्या क्या, लगन देख लूंगी पहले, खाना भी तो देखूंगी ना कि खाने में क्या क्या है। क्या पता लगन यहाँ पे ना आया हो, क्योंकि घर से इतनी दूर तो लेके नहीं आएंगे सामान। खाना तो होगा ना? खाना तो होता ही है, बस बात खत्म। हाँ बस जाते पहले। अच्छा ये बताइए कोट मेरे पे सही लग रहा है? अरे बहुत, शर्ट पे ज्यादा सुंदर लग रहा है। और मुझे पता क्या लग रहा है, ये कोट तुझे आएगा। मुझे तो ये सही लगा, साड़ी वाड़ी नहीं पहन के। अरे वो बता रहा था मंदी पे अभी, कह रहे भाई बहुत बारिश हुई है यहाँ। शुक्र है बच्चे का गुड्डू। आज ना पता है क्या हुआ, हमने साड़ी पहनी तो दोनों का ना दिल सा मन ऐसा हो रहा था, डमडमा गटगा, क्या डमडमा रहता है, डगमगा रहा था, डगमगा रहा था कि नहीं पहनेंगे कि नहीं पहननी चाहिए। फिर इन्होंने टोक दिया कि कुछ और कंफर्टेबल कपड़े पहने, जैसे इन्होंने बोला हमने चट से कपड़े निकाले और पट ब्याह कर दिया हमने। हमने कहा ठीक है अब हम भाई अपना कंफर्टेबल जा रहे हैं। देखो सबका अपना स्टाइल है, सारे कपड़े दूसरे पहन के आए होंगे। जहाँ लगे ना तुम्हें शादी में लोग साड़ी है पायल, जब तुम्हें लगे ना कहीं शादी में जा रहे हो तुम कहीं ना, वहाँ पे लोग शादी में आते तो सारे वही पहनते जैसे की साड़ी लहंगा वहंगा, तो वहाँ पे ना सिंपल है 3 सूट पैंट पहनो जो लड़कियाँ पहनती है, जैसे तूने पहन रखा है अलग से पहन के जाओ। ठीक है कल वाले इवेंट में है, सब लोग वहाँ पहन के आएंगे वेस्टर्न ज्यादातर मोस्ट ऑफ दी, और हम वहाँ पहन के आ रहे हैं इंडियन। गोलू देख ले बारिश ना बहुत ज्यादा है ना, तो इसमें ना आराम से गाड़ी चलाओ, नहीं तो अगर ब्रेक मारेंगे तो गाड़ी इधर उधर हो जाएगी। ठीक है आराम से चलाओ। अरे समझा रहा हूँ मैं तो, आराम से चला रहा हूँ मेरी माँ। मुझे क्यों समझा रही हो? फ्यूचर में तू बैठी हो कोई भगा रहा हो गाड़ी, तो दूसरे बोलिए आराम से चला भाई। बारिश हो रही है यार, क्या बोल रहे आराम से चला, बारिश हो रही है, ताकि तू सामने वाले को समझा सके कि अच्छा गाड़ी को स्लो ड्राइव कर, फिसल सकती है गाड़ी क्योंकि स्लिपरी हो रही है। अच्छा मतलब ये मुझे नॉलेज दे रही है फ्यूचर के लिए, अब समझी।
गाड़ी सिखा दे गोलू? यार मेरा बड़ा मन तो कर रहा है सीखने का गाड़ी। तेरे को कंटिन्यू ज्यादा नहीं 5 साल सिखाने पड़ेगी उसके बाद भी हमें इसे वही वाली गाड़ी देनी पड़ेगी जो सिखाने वाले नहीं आते, दोनों तरफ होता है ब्रेक क्लच। सिखाने वाले भी और जिसके चारों तरफ ना लोहे के एंगल लगी हो। मुझे गाड़ी चलाने कहाँ पसंद है, जब बिल्कुल स्ट्रेट रोड हो, कोई टर्न ना हो, कुछ ना हो, कोई मेरे आगे ना मेरे पीछे, सिर्फ मैं हूँ रोड पर, कोई ना। ठीक है फिर एक काम कर, ऐसा कुछ इंतजाम हो तो बताओ। एक हाईवे अपना खरीद लो, हाईवे खरीद ले। अरे आगरा वाला हाईवे है 200 किलोमीटर सीधा ले लेते ना हाईवे। प्लॉट तो लेने, इतने महंगी प्रॉपर्टी है, प्लॉट तो लेना मुश्किल हो रहा है। कोई तो रेंट पे रहते हैं। हाईवे लेगी तो 2 मिनट में हम पहुंच जाएंगे। कोट वोट हमने फुल टाइट कर लिए हैं, चप्पल पहन ली अपनी, होता नहीं शादी से पहले पहले फटाफट लड़की अपनी लिपस्टिक। बोलो नहीं मैं नहीं पहन पाऊंगी। अच्छा हमारे ब्लॉग तो सारे पता ही लग जाते हैं हम क्या क्या हरकतें कर रहे हैं। नहीं हाँ सबको पता होता है हम क्या कब क्या कर रहे हैं। और वही हीरो, ओहो आज तो भाई ये देख लो ये है वो दूल्हा। कांग्रेचुलेशन भैया। अरे चमक राज तो दोनों चमक रहे हैं आज। भाभी की छोरा मिल गया बढ़िया। अच्छा भाई साहब हम लोग कौन नहीं जानता। घर जा तो रही है, रो भी रही है, बच्चों की याद आ रही है, जा तो रही है। ओए पागल तू, ये पायल भी रो रही है, तू भी रो रही है। बहुत दिन हो गए ना बच्चों से दिख मिली। जा तो रहे हो, किसी ने रोक थोड़ी रखा, काम था ना अब खत्म हो गया, तुम जाओ। तो गाइस मैं जा रही हूँ अपने बच्चों के पास, बहुत दिन हो गए। इवेंट मैं निपटा लूंगा ठीक है। हाँ मैंने वो इवेंट कैंसिल कर दिया, हम लोग जा रहे हैं घर पे, क्योंकि अयान जैद तुबा हमें बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। चीकू भी पहुंचो तुम घर। ठीक है तो गाइज मैं अयानों के पास पहुंच गई हूँ और सबसे ज्यादा प्यार मुझे अयान करता है, कोई भी नहीं उठा पूरे घर में, सिर्फ और सिर्फ अयान उठा है। इसको मेरी खुशबू आ गई थी कि मम्मा आ गई है, तो मेरे बच्चे के पास मैं पहुंच गई हूँ। अनु मम्मा की ये देखो, हैंडो देखो हैंडो, हाँ ये देखो, अपने आप स्पिन करो, हाँ स्पिन करो, ओए स्पिन कर दिया। ये सोच रहा मम्मी कहाँ से गई, आई थी, ये क्या हो गया, नाखून ही दिख रहा है। अभी आपने उंगली में ड्रिल कराया था क्या? नहीं नहीं ये ऊपर चिपका हुआ है। देखो ये देखो स्पिन दिखा लग गया। देखो 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 देखो, कौन सी सब्जी बनाई आज? कटेल की बनाई थी। कटेल? अच्छा कटेल, मुझे लगा टटेल। कौन है? नहीं खाता, नहीं खाऊंगा। बताओ क्यों नहीं खा रहा? तुम्हारे लिए बनी। नहीं नहीं क्या ब्रश करवाया? ब्रश होती ब्रश होती ये खा ले खा ले खा ले। हाँ ब्रश कराई जा रही है ना, याद आ जैसे तू बोलेगी ना ब्रश होती तू आएगा। बस रूम में गई, मैंने देखा तुबा को जैद को, बाद में मैंने इसको देखा, जब मैंने इसको देखा ना ऐसे करा। मुझे क्या कह रहा है निशु, मैं खा रही चावल फटाफट कह रहा आराम से दो। क्यों इतनी स्पीड से खा रहे हो? वापस भूखी आई पूरे रास्ते। और क्या करूं, हमने आर में देखा पार में देखा, इन्होंने जैसे बोला घर जाओ, ओहो ऐसे दिल में अंगारी फूटी, ऐसे अंगारी फूटी, घर चलो हमारे बच्चे के पास। इसके लिए तो लगवा के लाई वहाँ खेल के, खेल रहा है मेरे इसके स्पिनर के साथ, खेल बेटा मम्मा आपके लिए लगवा के लाई है। बस बच्चे खेलते रहेंगे, मेरे 4 बच्चे हैं 4 स्पिनर है, एक एक उंगली सबको दे देंगे तोड़ के। अपने आप एक मिनट रुक जा, छोटी छोटी उंगली दे 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 दे, हाय मेरा बच्चा पता लग गया। देखो देखो मम्मा स्पिनर देखो खेलो, ये तो सोच रहे है तो भूल गया जैद, भूल गए भूल गई तू। चीकू के गिफ्ट देती हूँ चीकू, आइस बंद करो। अच्छा आइस क्या बंद करनी, आपको तो पता ही है शिव आपके लिए और किसी के लिए थोड़ी डेफिनेशन, चीकू तेरे लिए एप्पल की वॉच फाइनली।
और आपका वर्चुअल फोन, फोन नीचे गाड़ी में। और ठीक है, दो चीज और स्पेशल आई, दिल्ली का पानी, ठीक है, इनके लिए भी गिफ्ट लाऊंगा। एक सेकंड, दिल्ली का पानी, दिल्ली का पानी, चार बोतल लाए हम, चारों बच्चे ना, लो पकड़ दिल्ली का पानी। उसने दिल्ली लिया, ठीक है, क्यों खा रहे बेटी, रीट आ गया। निकी दिल्ली भी गिफ्ट लेके आई हूँ आईफोन का चार्जर। आयुष ने तो आए सुबह के बच्चों के छह और हम लोग जस्ट अभी अभी घर पर आए हैं। इतनी तेज की भूख लग रही है कि पूरे रास्ते ना हम ना सोते आए थे, मतलब पहले एक घंटा नहीं सोए थे, फिर हम सो गए थे। हमने कहा चलो नींद पूरी कर लेते, रास्ते में इतनी तेज की ठंड, मतलब लगा लो दिल्ली में ठंड नहीं, बारिश भी थी फुल, और ये फुल बारिश हो रही है फुल। और चिप पापा को मैसेज कर दिया कि हम लोग पहुंच गए, इतना अच्छा लग रहा है ना घर पहुंच के, बस ठंड बहुत है बहुत ज्यादा। मैं तो देखो साइज स्टाइल में इनके कपड़े पहन के आ गई, रास्ते में कंबल मांग रही, रास्ते में पायल को कह रही पायल पायल कंबल दे देना, तो पायल के पास जो ब्लैक कलर की शॉल थी ना, तो मैंने ना अपने पैरों में लपेटी, इतनी तेज की ठंड लग रही थी। तो गाइस बस इस ब्लॉग को यही एंड करते हैं और आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और जितने भी हमारे चैनल से सबको जाके सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि चिरायु पायल मलिक, फैमिली फिटनेस और अरमान मलिक, इन सब पे ना बहुत अच्छे ब्लॉग्स आने वाले हैं। हम घर आ गए हैं, तो बस अब शादी के जो फंक्शन है ना वो करने वाले हैं स्टार्ट, और 4 मार्च को है पायल का बर्थडे, तो खूब सारी विशेस देना पायल को हैप्पी बर्थडे वाली। तो गाइस बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और जाने से पहले यहाँ पे अरमान जी की स्नैपचैट की आईडी, ताकि उनको फॉलो कर लो, क्योंकि ब्लॉग से पहले की अपडेट आपको स्नैपचैट पे मिलेगी। बाय बाय गाइस, गुड मॉर्निंग।